राजा बलि बोले कि महाराज वो तो मैं सब जानता हूँ, मेरे परिवार में सब भक्त हुए हैं, लेकिन अब आप तो बताओ आपको क्या चाहिए, आप किस लिए आए हैं, क्या दूं मैं आपको, जो मांगोगे मैं दूंगा, वचन दे रहा हूं। तो बामन भगवान ने सोचा कि अब मौका ठीक है, मांगना चाहिए। तो कहते हैं कि तस्मात्त्वतो महीमीषत वर्णेहम वरदर्शभात् पदानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे राजा बलि, यदि आप हमको कुछ देना चाहो तो हमको ज्यादा नहीं चाहिए। पदानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम, यदि देना है तो हमको केवल तीन पग भूमि का आप दान करिए और कुछ नहीं चाहिए। जब राजा बलि ने सुना हंसने लगा। राजा बलि बोले कि महाराज कैसी बात करते हो, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के दरवाजे पर आप खड़े हो और मांगते हो केवल तीन पग भूमि। नहीं नहीं, कुछ ज्यादा मांग लो ना मेरे से, मैं तो आज आपको बहुत कुछ देना चाहता हूं, कुछ ज्यादा मांगो। बोले कि नहीं नहीं राजा बलि, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको बस इतना ही चाहिए। राजा बलि ने पूछा कि महाराज ये तो बताओ तीन पग भूमि लेकर करोगे क्या। तो कहा कि राजा बलि देख, जैसे छोटे से हम है ना, तीन पग भूमि अपने पैरों से नाप के लेंगे और उस छोटी सी जगह में एक छोटी सी कुटिया बनाएंगे और उस छोटी सी कुटिया में बैठकर भगवान का भजन करेंगे, और हमको क्या करना है। राजा बलि ने कहा कि महाराज फिर तो आपका काम बन गया, मैं ऐसा करता हूं कि मैं अपने पैरों से नाप के दे देता हूं, क्योंकि मेरे पैर आपसे थोड़े बड़े हैं ना, थोड़ी ज्यादा भूमि आपके पास चली जाएगी, आपका काम बन जाएगा। बामन भगवान मन में बोले कि राजा बलि यदि तेरे पैरों से नाप के लूंगा तो काम बनेगा कहां, सब किया कराया चौपट हो जाएगा, तेरे पैरों से नहीं लेने। तो अब बामन भगवान राजा बलि को थोड़ा गुस्सा भी दिखाने लगे, बोले कि देख राजा बलि, हमने तेरी प्रशंसा की, तेरे बाप की प्रशंसा की, तेरे बाबा की, तेरे पूरे खानदान की प्रशंसा की, प्रशंसा करते करते हमारा मुख दुख गया, और उसमें भी तेरे से तीन पग भूमि मांगते हैं और तू देने में नखरे दिखाता है, तुझे देनी हो तो दे, नहीं तो किसी और से मांग लेने। ऐसा कहकर चलने लगे बामन भगवान। राजा बलि पैरों में गिर गए कि नहीं महाराज, आज मेरे द्वार से कोई ब्राह्मण खाली नहीं जाएगा, मैं आपको दूंगा, वचन देता हूं तीन पग भूमि ही दूंगा। राजा बलि ने अपने गुरु श्री शुक्राचार्य जी महाराज को बुलाया, ये अंदर यज्ञ करवा रहे थे। जैसे ही शुक्राचार्य जी बाहर आए, राजा बलि ने कहा कि देखो गुरुजी, आज ये एक ब्राह्मण का बेटा मेरे द्वार पर आया है और मैं चाहता हूं कि मेरे से बहुत कुछ ये ले ले, पर ये तो बार बार केवल तीन पग भूमि मांगता है, अब आप ही इसको थोड़ा समझाओ ना, ये कुछ ज्यादा ले ले। शुक्राचार्य जी ने जो बामन भगवान की ओर देखा, राजा बलि को पूछा कि राजा बलि ये कौन है। बोले किसी ब्राह्मण का बेटा लगता है। तो कहा कि राजा बलि ये किसी के बेटे नहीं हैं, ये तो सबके बाप हैं, तू इनको बेटा मत समझ। कि ऐषा वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादिदितेर्जातो देवानां कार्य साधक। देख राजा बलि, ये तो साक्षात विष्णु हैं, भगवान विष्णुरव्ययः, ये नारायण हैं, जानता है क्यों तेरे से तीन पग भूमि मांग रहे हैं। एक पग में नीचे के लोक नाप लेंगे, एक पग में ऊपर के लोक नाप लेंगे, तीसरे पग भूमि जब तेरे पास नहीं बचेगी तो तुझे नरक में डाल देंगे, तू मना कर दे कि मैं नहीं दूंगा। राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव ये नारायण है। बोले हाँ ये नारायण है। अब तो राजा बलि बड़े गदगद होने लगे। बोले गुरुदेव, जो सारी दुनिया को देता है, जो सबको देने वाला है, आज वो मेरे दरवाजे पर भिखारी बन के खड़ा है, मेरे से मांग रहा है और मैं न दूं, ये कैसे हो सकता है। लेकिन राजा बलि तू मेरी बात को समझ तो, अरे देना तो अलग बात है, लेकिन ये तो कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, सब कुछ ले जाएंगे, तू मना कर दे भैया। लेकिन राजा बलि बोले कि गुरुदेव आप ये बताओ कि ये जितना भी धन, ये जितना भी दौलत, ये जितना भी
लक्ष्मी मेरे पास है, क्या ये हमेशा टिकेगी? तो कहा कि नहीं राजा बलि, ये सब धन दौलत तब तक तेरे पास है जब तक ये शरीर है, एक दिन तो सब छोड़ना पड़ेगा। तो राजा बलि ने कहा कि भगवान, जब ये सब कुछ एक दिन छोड़ना ही है तो फिर आज मैं भगवान के चरणों में ही क्यों ना छोड़ दूं, ऐसा मौका फिर कब मिलेगा, आज भगवान को ही दे दूं। राजा बलि नहीं माने, मैं तो दूंगा। अपनी पत्नी विंध्यावली को आवाज लगाई कि जाओ तुम जल की झारी भर के लाओ, मैं संकल्प करके भगवान को तीन पग भूमि का दान करूंगा। विंध्यावली जल की झारी भर के लेकर आई संकल्प के लिए। अब शुक्राचार्य जी ने मन में सोचा कि आज तो भगवान मेरे यजमान को ही लूट के ले जा रहे हैं, और यजमान लूट गए तो समझो पुरोहित भी लूट गए, फिर कौन यज्ञ कराएगा, कौन दान करेगा। शुक्राचार्य जी बोले कि आज मैं ये दान नहीं होने दूंगा। तो जानते हो क्या किया, अपनी विद्या से लघु रूप धारण करके शुक्राचार्य जी कमंडल के अंदर ही जाके बैठ गए और सोचने लगे कि मैं कमंडल से बाहर जल नहीं निकलने दूंगा, जब जल नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे होगा, संकल्प नहीं होगा तो दान कैसे होगा। अंदर बैठ गए और उस कमंडल की टोंटी में अपनी एक आंख भी लगा दी देखने के लिए कि भगवान बाहर मेरे भक्त से क्या लीला करा रहे हैं। अब राजा बलि बार बार कमंडल को टेढ़ा करते हैं लेकिन जल नहीं आता, बहुत देर हो गई। भगवान समझ गए कि अंदर तो शुक्राचार्य बैठे हैं, जल कहां से आए। तो भगवान ने अपने कुशा के आसन से दो तिलियां तोड़ी और राजा बलि को भगवान ने दी और कहा कि देखो राजा बलि, हमको लगता है कि रास्ते में कुछ फंस गया है, थोड़ा रास्ता साफ कर लो। अब राजा बलि ने जैसे ही वो तिली लेकर कमंडल की टोंटी में डाली तो शुक्राचार्य जी की एक आंख लगी हुई थी, एक आंख ही गोविंदा है नमो नमः, आंख ही फूट गई। लेकिन याद रखना बंधु, शुक्राचार्य जी की तो एक आंख फूटी पर जो धर्म के ईश्वर के कार्य में विघ्न डालता है उसकी तो दोनों ही गोविंदा है नमो नमः, उसकी दोनों ही आंखें फूटती हैं। क्योंकि आप यदि अच्छा काम नहीं कर सकते तो बिल्कुल मत करो, कौन कहता है मत करो, लेकिन दूसरा यदि कोई करने जा रहा है तो उसको आप मत रोको, क्योंकि तुम नहीं कर रहे तो तुमको अपने किए का पाप का फल मिलेगा, लेकिन यदि तुम दूसरे को भी रोक रहे हो तो तुमको अनंत गुना पाप भोगना पड़ेगा। दूसरे को मत रोको, कभी करने दो। शुक्राचार्य जी ने अपनी एक आंख फोड़वा ली। शुक्राचार्य जी बोले कि राजा बलि के कारण हमने आंख भी फोड़वा ली, अब चाहे भगवान इसे लूट कर ले जाए, अब मैं बीच में नहीं आऊंगा। कमंडल से निकल कर चले गए। अब जल बाहर आया है बंधुओं, संकल्प हुआ है, संकल्प में इच्छा पूछी, भगवान ने पूछा राजा बलि तुम ये संकल्प क्यों कर रहे हो। राजा बलि ने कहा कि प्रभु मैं तो आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं ये भूमि दान कर रहा हूं। भगवान बोले कि वाह राजा बलि, धन्य है तुझे, लोग संसार में छोटी सी सत्यनारायण की पूजा भी कराते हैं तो उसमें भी संकल्प लंबा चौड़ा पंडित जी से बुलवाते हैं, हाँ खूब संकल्प बुलवाते हैं। अप्राप्त लक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम, पंडित जी ऐसा संकल्प कराओ हमारे घर में खूब लक्ष्मी आए और जो लक्ष्मी आए वो हमें कभी छोड़ के न जाए, हाँ खूब संकल्प कराते हैं। लेकिन धन्य है राजा बलि, संकल्प में केवल यही बुलवाया कि प्रभु मेरे भूमिदान से आप प्रसन्न हो जाओ और मैं कुछ नहीं चाहता। अब भगवान तो संकल्प होने के बाद इतना प्रसन्न हो गए, इतना प्रसन्न हो गए कि राजा बलि के देखते ही देखते आज बामन से विराट बन गए हैं। प्रभु बोलो विराट भगवान की जय। विशाल देह प्रभु ने धारण कर ली है, इतना लंबे चौड़े भगवान बन गए कि एक पग में नीचे के सभी लोग प्रभु ने नाप लिए, दूसरे पग में ऊपर के लोगों को नाप लिया, ब्रह्मांड फट गया, भगवान का चरण ब्रह्मलोक तक पहुंच गया है, सबको प्रभु ने नाप लिया। जब तीसरे पग भूमि नहीं बची तो भगवान राजा बलि को बोले कि राजा बलि अब तीसरे पग भूमि हमको दो। राजा बलि ने कहा कि प्रभु मैं दूंगा लेकिन पहले ये बताओ क्या इसी रूप से मेरे द्वार पर आप मांगने आए थे। भगवान ने कहा राजा बलि क्या मैं बदल गया। बोले प्रभु आप तो इतना बदल गए, इतना बदल गए कि आज तक कोई दान लेकर इतना तो नहीं बदला होगा, इतने लंबे चौड़े बन गए।
जब आए थे तो छोटे से और लेने की बारी आई तो इतने बड़े। यहां तो उल्टा ही हो गया, दानी तो हो गया है छोटा और याचक बन गया है इतना बड़ा। प्रभु यदि आप फिर विराट से बामन बन जाओ तो मैं अपने तीसरे वचन को भी सत्य करूंगा। भगवान प्रार्थना पर फिर छोटे से बामन बन गए। राजा बलि कहते हैं कि यदि उत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवर्यमन्यते करोमृतम तन्न भवेत् प्रलंभनम पदम तृतीयम कुरु शीर्षणमे निजम। राजा बलि दोनों हाथ जोड़कर भगवान प्रभु मैंने आपके उस विराट रूप को देखा, आपने मेरा सब कुछ ले लिया, मैंने आपके विराट रूप में नीचे के लोक भी देख लिए, ऊपर के लोक भी देख लिए, मैंने इस पृथ्वी को भी देख लिया, मैंने अपने राजमहल राजकोष अपनी पत्नी अपने बच्चे सबको आपके अंदर देखा प्रभु, आपने मेरा सब कुछ ले लिया लेकिन मैंने अपने आप को कहीं नहीं देखा प्रभु। हे बामन भगवान, जब आपने मेरा सब कुछ ले लिया है तो फिर मुझे ही क्यों आपने छोड़ दिया। हे प्रभु अब उठाओ आप अपना तीसरा पग और अपने भक्त के मस्तक पर रखकर अपने भक्त के तीसरे वचन को भी आप सत्य कर दो। पदम तृतीयम कुरु शीर्षण में निजम। बामन भगवान के चरणों में राजा बलि झुक गए हैं, प्रणाम किया। भगवान ने अपना तीसरा पग अपने भक्त के मस्तक पर पधराया है, भक्त के तीसरे वचन को भी सत्य कर दिया। बोलो बामन देव भगवान की जय। बामन भगवान राजा बलि को कहते हैं, राजा बलि तूने आज मुझे प्रसन्न कर लिया है, तूने अपना सब कुछ आज मुझे दे दिया, मैं भी तुझे अपने चरणों की अखंड भक्ति दे रहा हूं। देख राजा बलि अभी तू जाकर सीधे सुतल लोक में रहना शुरू कर दे, वहां मैंने तेरे लिए महल बनवा दिया है, तू सुतल लोक में रहना और मेरा आशीर्वाद है कि अगले मनवंतर में तू ही इंद्र बनेगा। ऐसा कहकर राजा बलि को विदा किया। अब देखो राजा बलि जा तो रहे थे लेकिन बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर बामन भगवान को देख रहे हैं बहुत देर तक। बामन भगवान ने कहा कि राजा बलि क्या बात है, बार बार मुड़कर क्यों देखते हो, क्या जाने का मन नहीं है। बोले प्रभु जाना तो पड़ेगा, आपकी आज्ञा है, लेकिन आपके इस रूप के सामने से हटने का मन नहीं कर रहा है, आप कितने सुंदर लग रहे हो, मन करता है आपको मैं देखता रहूं। बामन भगवान बोले कि राजा बलि जब तूने मुझे अपना सब कुछ दे दिया तो क्या मैं तुझे अपना ये बामन रूप नहीं दे सकता। देख राजा बलि मैं भी वचन देता हूं कि सुतल लोक में तू जहां भी जाके रहेगा तो वहां तेरे राज महलों के द्वार पर इसी बामन रूप को धारण करके हाथ में गदा लेकर मैं 24 घंटे तेरी चौकीदारी करूंगा, तेरी पहरेदारी करूंगा, और जब जब तू महलों से बाहर निकलेगा तब तब तुझे मेरे इस बामन रूप का दर्शन होगा। बंधुओं आज भी भगवान बामन रूप से सुतल लोक में राजा बलि के दरवाजे पर पहरेदारी कर रहे हैं। आज तक इस समय राजा बलि सुतल लोक में विराजमान है, अगले मंत्र में राजा बलि इंद्र बनेंगे, अभी भी भगवान वही चौकीदारी कर रहे हैं। ऐसे भक्त वत्सल हैं प्रभु। बामन भगवान हमारे बीच से पधार रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर सब स्वागत करिए। बोलो बामन देव भगवान की जय। बामन भगवान कृपा करते हैं राजा बलि पर। आगे फिर महाराज सत्यव्रत का प्रसंग सुनाया, प्रभु के मत्स्य अवतार की कथा का वर्णन सुखदेव जी ने किया है। यहां से भागवत का नवम स्कंद प्रारंभ हुआ है और जिस नवम स्कंद में दो वंशों की कथा आई है, विशेष रूप से सूर्यवंश और चंद्रवंश की। मन्वंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्यानन्त वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव आप बहुत सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं लेकिन कृपा करके मुझे थोड़ा सूर्यवंश और चंद्रवंश के बारे में आप बताइए, मैं इन दोनों वंशों की कथा सुनना चाहता हूं। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन ये जो सूर्यवंश है ये तो बहुत बड़ा है और यदि इस सूर्यवंश की कथा मैं 100 वर्ष तक भी सुनाता रहूं
वक्तों वर्ष शतैरपि, फिर भी ये कथा पूरी होने वाली नहीं है। इस सूर्यवंश में तो बड़े बड़े जो नभग थे, ये नौवें पुत्र हैं। इन महाराज नभग के पुत्र हुए थे नाभाग, और नाभाग जी के पुत्र हुए थे महाराज अम्बरीश। इन अम्बरीश जी की कथा भागवत में दो अध्यायों में आई है। सवई मनः कृष्ण पदारविंदयोः वचांसि वैकुंठ गुणानुवादने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारा चुतसत कथोदये। बड़ा सुंदर अम्बरीश जी का चरित्र आया। इनके एकादशी व्रत की कथा सुखदेव जी ने सुनाई है। ये बड़ी निष्ठा से एकादशी का व्रत किया करते थे। इसी प्रकार से जो प्रषद्र नाम के पुत्र थे, इनकी गौ सेवा का वर्णन सुखदेव जी ने किया है। ये बहुत गौ की सेवा किया करते थे। इक्ष्वाकु नाम के जो पुत्र थे, इन महाराज इक्ष्वाकु के निमी दंडक आदि 100 पुत्र हुए, और इन्हीं के वंश में आगे चलकर महाराज युवनास्सु का जन्म हुआ, जिनके पुत्र थे मानधाता, जिनके वंश में हरिश्चंद्र हुए, रोहित हुए, त्रिशंकु हुए। इसी वंश में महाराज सगर का जन्म हुआ था, और जिन महाराज सगर के पुत्र हुए थे 60,000, प्रेम से कहो श्री राधे, आप लोग सब जानते हो 60,000 पुत्र थे महाराज सगर के, जो सब अश्वमेध यज्ञ के समय कपिल मुनि के शाप से जलकर भस्म हो गए थे। लेकिन दूसरी रानी से इनके एक पुत्र असमंजस भी थे, जिन असमंजस के पुत्र हुए अंशमान, अंशमान के पुत्र हुए थे दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए थे महाराज भगीरथ, जिन भगीरथ जी ने ही साक्षात माँ गंगा को इस धरती पर अवतरित किया है। ये भगीरथ जी की ही कृपा है, भगीरथ की प्रार्थना पर ही माँ गंगा इस धरती पर आई थी। ऐसे ये भगीरथ भी इस सूर्यवंश में ही प्रकट हुए। इनके बाद आगे चलकर महाराज श्रुत हुए, महाराज सुदास हुए, सौदास हुए, महाराज अस्मक हुए हम, और इसी वंश में आगे चलकर खट्वांग जी का जन्म हुआ है। कि खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। इन महाराज खट्वांग के पुत्र हुए थे दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए थे रघु, जिनके नाम से इस वंश का नाम भी रघुवंश पड़ा। इन महाराज रघु के पुत्र हुए थे अज, अज के पुत्र हुए थे महाराज दशरथ, और जिन दशरथ जी के यहाँ भगवान ने 4 रूप से अवतार धारण किया है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, 4 रूप से अवतार लेकर दशरथ जी के यहाँ भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं। और कैसे प्रकट हुए हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में कितना सुंदर वर्णन करते हैं। आइए हम लोग भगवान राम की बड़ी अद्भुत झांकी का आंखों से दर्शन भी करेंगे, गाएंगे भी, और आगे फिर भगवान कृष्ण के जन्म की ओर हम लोग चलेंगे। कैसे भगवान राम प्रकट हुए, बड़े प्रेम से गाइए। कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा धनुघन श्यामा निज आयुर भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कर दो